दोस्तों, ये दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है ASP.NET कोर का, और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एक नया कंट्रोलर कैसे बनाना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टार्टअप पेज होता है वो कैसे काम करता है। ये आप लोगों के कंट्रोलर का नाम है, ये आप लोगों के कंट्रोलर में उपस्थित जो एक्शन मेथड है उसका नाम है, और ये ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि इंडेक्स मेथड के अंदर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल रखा गया है। अब देखते हैं हम लोग होम कंट्रोलर को। यहाँ पर होम कंट्रोलर है और होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स जो है वो एक एक्शन मेथड है जो कि रिटर्न करता है आई एक्शन रिजल्ट को, ठीक है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये इंडेक्स मेथड रन होता है होम कंट्रोलर के अंदर, जो इंडेक्स मेथड है वो रन होता है, और रन होने के बाद में ये अपने व्यू को रिटर्न कर देता है। यहाँ पर देखिए रिटर्न व्यू है, तो मतलब कहाँ पर आप लोगों को जाना है, आप लोगों को जाना है व्यू सेक्शन के अंदर, व्यू सेक्शन के अंदर होम कंट्रोलर में, और होम कंट्रोलर में इंडेक्स मेथड पर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है लर्न अबाउट दिस, तो यहाँ पर ये मिल जाता है हम लोगों को लर्न अबाउट दिस, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को जो आज समझना है वो है कि एक नया कंट्रोलर कैसे बनाते हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट होती हैं। तो एक नया कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं और इसके पाथ को हम लोग आप लोगों को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंट्रोलर क्लास पे जाइए, सॉरी कंट्रोलर फोल्डर पर जाइए, और एक नया कंट्रोलर आप लोगों को बनाना है। ऐड न्यू कंट्रोलर करते ही आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है MVC कंट्रोलर एम्प्टी, MVC कंट्रोलर, ये बाद में हम लोग आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन एक बार के लिए आप लोग एम्प्टी कंट्रोलर बनाएं। यहाँ पर आप लोग लिखें नेम ऑफ द कंट्रोलर यानी कि स्टूडेंट। जैसे ही मैंने स्टूडेंट लिखा तो यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है न्यूगेट पैकेज को। दिस में टेक ए फ्यू मोमेंट्स। microsoft.visualstudio.web.somethings, यहाँ पर इंटरनेट नहीं चला हुआ है, अगर कोई एरर आता है तो आप लोग इंटरनेट ऑन कर लें ताकि वो प्रॉब्लम जो है आप लोगों की दूर हो जाए। ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, स्कैफोल्डिंग चल रही है, और आप लोगों का जो नया कंट्रोलर है जिसका नाम मैंने स्टूडेंट रखा है वो अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो कंट्रोलर का नाम है वो है स्टूडेंट, और आगे लगा हुआ है कंट्रोलर, और ये जो पेज है वो इनहेरिट है कंट्रोलर से। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी कंट्रोलर आप लोग बनाएं वो कंट्रोलर क्लास से ही इनहेरिट होने चाहिए। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट आप लोगों को एक एक्शन मेथड मिलेगा जिसका नाम है इंडेक्स। यहाँ पर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा स्टूडेंट बायो, यानी कि स्टूडेंट बायोग्राफी या बायोडाटा जो है वो इसको डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पर स्टार्टअप पेज के अंदर जो हमारा जो स्टार्ट पेज है उसे चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है वो कंट्रोलर का नाम होता है यानी स्टूडेंट, और एक्शन का नाम जो है वो है स्टूडेंट बायो, स्टूडेंट बायो, ये वाला ही है, देखिए स्टूडेंट बायो यहाँ पर है स्टूडेंट बायो, और ऑप्शनल पैरामीटर है तो कोई मैटर नहीं करता। अब देखिए ये जो रिटर्न कर रहा है वो व्यू कर रहा है स्टूडेंट बायो का, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी व्यू जो है वो इस कंट्रोलर के नाम से नहीं है। होम के नाम से हमारे पास व्यू के अंदर एक फोल्डर है, और होम के दोनों मेथड जो है हमारे पास है एक्शन मेथड। देखिए होम के अंदर दो मेथड है हमारे पास, एक तो इंडेक्स वाला मेथड है और एक प्राइवेसी का मेथड है। ये दोनों ही मेथड के हमारे पास व्यू बने हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट कंट्रोलर का के अंदर जो एक्शन मेथड है उसका हमारे पास कोई भी जो है वो व्यू नहीं बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यू बनाएंगे, लेकिन व्यू बनाने से पहले जो एरर आता है उसे आप लोग चेक कर लें। ये यहाँ पर जाएगा सबसे पहले और आप लोगों को एक एरर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए एरर आ चुका है क्योंकि इसके पास कोई व्यू नहीं है। यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि द व्यू स्टूडेंट बायो वॉज नॉट फाउंड। स्टूडेंट बायो का जो व्यू है हम लोगों को नहीं मिला। तो व्यू कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। एक सभी जितने भी एक्शन मेथड हैं होते हैं उनका एक बार के लिए आप लोग जो है व्यू बनाएं। ऐड व्यू पर यहाँ पर जाएं, व्यू नेम जो है स्टूडेंट बायो है, कोई भी टेम्पलेट हम लोग यहाँ पर एक बार सेलेक्ट नहीं करते हैं, ऐड पर क्लिक करते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर पता लगेगा कि एक व्यू जो है कैसे बनाते हैं। ये स्कैफोल्डिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर आप लोग अपनी HTML जो कोड है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने आज देखा कि आप लोग कैसे जो है एक व्यू बनाते हैं, एक कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड होते हैं उसके व्यू आप लोगों को कैसे बनाते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन चल जाएगी और आप लोगों का जो डिस्प्ले आया वो स्टूडेंट बायो। तो देखा आप लोगों ने
कि स्टार्टअप पेज के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट पेज बदला है, स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम लिखा, यहाँ पर एक्शन मेथड का नाम लिखा और इसको रन कर दिया। तो ये डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज आप लोगों का सेट हो गया स्टूडेंट बायो, और स्टूडेंट बायो जो है उसका एक्शन मेथड है और ये कंट्रोलर का नाम है। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप फाइल है उसमें कंट्रोलर का नाम, फिर एक्शन मेथड का नाम, ये देखिए रिस्पेक्टिव में इसका व्यू जनरेट होता है क्योंकि हम लोगों को HTML फाइल ही रन दिखाई देती है, प्रेजेंटेशन व्यू। तो राइट क्लिक करके ऐड व्यू पर क्लिक करें तो यहाँ पर व्यू सेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर बन चुका है स्टूडेंट नाम से एक फोल्डर, जैसे कि होम के पास था, सभी कंट्रोलर का रिस्पेक्टिव व्यू होगा। यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट में स्टूडेंट बायो नाम से CSHTML फाइल मिल जाएगी जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग अपना HTML व्यू तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, अभी मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में लेआउट व्यू बताऊंगा कि लेआउट व्यू हम लोगों को कैसे सेट करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिए, उसके बाद में हम लोग मॉडल्स पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।